Hello everyone, myself Raman Sharma as an IELTS trainer और आज नया concept और ऐसा concept जो 5th class से लेके चाहे कोई बच्चा PhD कर रहा हो, चाहे कोई professor हो, कोई businessman हो, सभी के लिए एक सबसे important topic, this is called English speaking. मतलब हर एक भाग रहे हैं हम लोग, सीखने की तरफ भाग रहे हैं कि इंग्लिश सीखनी है. वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वी वॉन्ट टू लर्न एक्सेंट, हमने इंग्लिश सीखना है. सो दैट्स वेरी गुड, एवरी वन वॉन्ट टू लर्न. मगर सीखना कैसे है, शुरू कहां से करें, क्या चीजें करें जिससे हमारी इंप्रूवमेंट हो. देखो बड़ी बात तो क्लियर है कि हम लोगों में एक सब्र की कमी बहुत बड़ी होती है. सबर मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई बच्चा इंग्लिश सीखने के लिए मेरे पास आता है तो पहली क्लास में ही उसका यह क्वेश्चन होता है, सर कितना टाइम लगेगा कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा बिल्कुल एक अंग्रेज की तरह. तो डेफिनेटली एक बात क्लियर कर दूं, इंग्लिश को सीखने का कोई टाइम नहीं है. कभी भी हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, फ्लेक्स बोर्ड देखते हैं, 72 आवर्स में इंग्लिश बोलना सीखिए, 72 घंटों में इंग्लिश बोलना सीखिए. ऐसे कभी भी और कोई भी इंग्लिश नहीं सीख सकता. जस्ट सिलेबस को प्रोवाइड करना, ग्रामर को टीच करना, इट डजंट मीन कि आपको इंग्लिश आ गई. ग्रामर एक अलग पार्ट है और स्पोकन इंग्लिश एक अलग पार्ट है. आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने के लिए आपके पास स्पोकन इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है. तो क्या करें, ऐसा कहां से सीखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज ऐसी हैं ना कि सर टेंसी सीख लें, सर क्या सीखें जिससे हमारी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आए. तो आइए आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लोग फील करोगे कि इंग्लिश सीखना कितना आसान है. क्योंकि सबसे पहले हमें रास्ता तो पता होना चाहिए, अगर हमें रास्ता ही नहीं पता तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे. तो आइए कुछ ऐसे ही बातें करते हैं कि इंग्लिश को सीखा कैसे जाता है. और आज मैं अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी. मैं एक देखो सबसे बड़ा एक बहाना होता है हमारे बच्चों के पास कि मैं पंजाब बोर्ड स्कूल का पढ़िया होया या मैं हरियाणा बोर्ड से पढ़िया होया, मतलब मैं सीबीएसई पैटर्न नहीं हैगा. कोई वरी नहीं, फिर की हो गया जे तुसी सीबीएसई नहीं पढ़े, आईएससी बोर्ड नहीं पढ़े. पंजाब बोर्ड के बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं. इंग्लिश नू बोलन दे लई यू पीपल डू नॉट नीड हायर परसेंटेज, आपकी हायर परसेंटेज नहीं होनी चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश बोलना सीखो, क्योंकि आज मैं वीडियो में ना अपनी बातें करूंगा कि मैं एक पंजाब बोर्ड का स्टूडेंट था, मैं कैसे सीखा, मेरे परसेंटेज कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बड़ा खुल के बात करूं तो 55 और 60 के बीच आते थे. नॉट दैट काइंड ऑफ द इंटेलिजेंट गाय हु वर टेकिंग 99% और 98%. नो, मेरे तो परसेंटेज ही 55 और 60 के बीच आते थे, मगर मेरे को इंग्लिश सीखने का क्रेज बहुत था. फैमिली में कोई नहीं था जो इंग्लिश बहुत बोलता हो, कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था, कोई सराउंडिंग एरिया भी नहीं था. और जब कभी भी ट्राई करता था इंग्लिश को बोलने की तो बहुत लोग मेरी इंसल्ट करते थे, अच्छा अब तू इंग्लिश बोलेगा, तेरी फैमिली में कोई है जो इंग्लिश बोलता है, अच्छा तू बनेगा बड़ा अंग्रेज. तो ऐसी ऐसी बातें मेरे को सुननी पड़ती थी, मगर मैं रुका नहीं. और एक बात मेरे दिमाग में थी, जिन जिन लोगों के ऊपर जग हंसा है ना, उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है. तो आप लोगों के सामने एक पंजाब बोर्ड का स्टूडेंट आ गया. तो डेफिनेटली आया कैसे, सीखा कैसे, कोई मंत्र नहीं था, कोई ये नहीं था कि रातों रात मेरे को कुछ हुआ. नहीं, एक बात बहुत बड़ी थी, मेरी फैमिली ने मेरे ऊपर बिलीव किया था. जो कुछ मैं अपने इंस्टीट्यूट में सीख के आता था तो मेरी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से वो बैठते और मेरे से बड़े उत्साहित, बड़े खुशी खुशी पूछते कि आज क्या सीखा, आज क्या सीख के आया. तो डेफिनेटली मैं उनको बताता कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने वो सीखा. और वो ना कभी कभी बहुत लोग मेरे ऊपर हंसते थे कि ये तो भाई तोता है, नकलची बंदर है, जो वहां पर रट्टा मरवा दिया बस वही इसने आके यहां पर रट्टा छोड़ दिया, बात खत्म. बहुत छोटी छोटी चीजों से मैं इंग्लिश सीखा हूं.
बहुत छोटी छोटी, फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ता, नहीं अपने शहर में ही पढ़ा हूं। तो सीखा कैसे? देखो चीजें बहुत छोटी होती हैं मगर उनके रिजल्ट्स होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं। जो मेरे उस्ताद थे तो मैं बड़ी खुशी से उनका नाम सभी वीडियोस में लेता हूं। मैं जो मेरे दीपक भारद्वाज हैं यमुना नगर से वो बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली, और मेरे चाचा जी हैं रामा गुप्ता जी, और उन्होंने मेरे को जो पढ़ाया था, आई हैड नो मनी ऑन द टाइम। मैं कभी भी किसी भी मुकाम के ऊपर पहुंच जाऊं मैं इन दो बंदों का एहसान कभी भी नहीं दे सकता। तो डेफिनेटली इंग्लिश का सफर शुरू कहां से हुआ? शुरू हुआ बच्चे जब मैं घर पे आता था ना तो मैंने एक हैबिट अपनी बना ली थी कि मैं छोटी छोटी बातों को इंग्लिश में बोलना शुरू करने लगा। छोटी छोटी बातें मैं कभी ये नहीं बोलता था सवेरे सवेरे, मैं बोलता था मॉर्निंग टाइम। हम तो इंग्लिश को पता नहीं क्या क्या कर दिया, होते तो स्विचेस हैं और हम लोग बोलते हैं सोचा बंद कर दो। अरे मॉर्निंग टाइम करते तो हम ब्रश है ना, तो सभी क्या बोलते हैं, हाँ बुर्च कर लिया, व्हाट इज दिस बुर्च। बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश के, जैसे साइड हम बोलते हैं इंग्लिश में और आप लोगों को पता भी नहीं कि हम इंग्लिश में बोलते हैं। एग्जांपल बताऊं, हमारे बुजुर्ग भी इंग्लिश बोलते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है ना तो किसी जो ओल्ड लेडी होती है ना उससे पूछ के देखो क्या हुआ था, उसको तो हार्ट अटैक हुआ था। उस बेचारी को यह नहीं पता कि हार्ट अटैक इज अ वर्ड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश हम यूज करते हैं और सभी जगह पे, और ये इसको विंडो ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने सराउंडिंग एरिया, अपने आले द्वाले में छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में लेके आइए। जैसे कि मैं रूटीन में जो जो काम करता हूं, देखो मेरे पास, मैं आपको सिखाता हूं कि मैंने सीखा कैसे। ये मेरे पास बूट नहीं है, मेरे पास शू है, मेरे पास घड़ी भी नहीं है, मेरे पास वॉच है। कभी भी कमीज नहीं डाल के देखा, जब भी डालता हूं शर्ट डालता हूं। मैंने कभी भी अपने वाल है ना, जो वाल इनके ऊपर कुछ नहीं किया, मैंने अपने हेयर को कॉम्ब किया है। दाढ़ी भी नहीं है, बियर्ड है, मूछे भी नहीं है, मस्टाशीज हैं। और सच्ची बताऊं मैंने कभी मॉर्निंग टाइम ना सुबह की रोटी तो कभी नहीं खाई, मैं तो ब्रेकफास्ट करता हूं। सर्वाइवल इंग्लिश सीखने के बाद मैं आ गया अपनी इंग्लिश को पॉलिश करने के लिए। पॉलिश करने का मतलब क्या है? तो मैंने सर्वाइवल इंग्लिश तो सीख ली थी, भूख लगी हंग्री बोल दिया, प्यास लगी थर्स्टी बोल दिया। तो अब चाहिए था मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकूं। एग्जांपल मैंने क्या किया, टेंसेस सीखे। स्कूल में कभी नहीं आए थे वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कभी नहीं मेरे को समझ आया था। मैंने अपने मेथड से टेंसेस सीखे और मेरी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं। आप सर्च करो रमन टेंसेस, बस आपको पता चल जाएगा। रमन आयल्स के बाद टेंसेस डाल लो तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो आप फिर मैंने क्या किया, मैं टेंसेस सीखना शुरू किया। हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर कमांड बनाई मैंने, डू कहां लगता है, डिड कहां लगता है, विल कहां लगता है, इज एम आर वॉज वर, क्योंकि ये माइंड है ना ये पिक्चर्स बनाता है। एग्जाम्पल बताऊं आपको, आप सबको पता है कि अगर मैंने बोला ब्राक ओबामा तो ओबामा की पिक्चर आपके माइंड में आ जाएगी। अगर मैंने बोला ताजमहल तो ताजमहल भी दिखेगा। अगर मैंने बोला ब्राक ओबामा की पाणजी तो वो नहीं दिखेगी क्योंकि इसने वो देखी नहीं ना कभी। जो दिमाग चीजें देखता है उनको वो ही बनाता है। तो मैंने अपने पैटर्न को फॉलो करने के लिए इमेजिनेशंस को करना शुरू किया, टेंसेस सीखे। टेंसेस सीखने के बाद मैंने दूसरा चैप्टर था वो सीखा मॉडल्स, जिसको हम बोलते हैं जेस्टर्स भी बोलते हैं। जेस्टर्स पता क्या होते हैं, चेहरे के हाव भाव। एग्जाम्पल बताता हूं, Can, could, should, may, might, must, have to, dare to, used to, want to, need to, try, may, might, सब कुछ, fond of, love, sick, सब कुछ सीखा। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो मैंने सीखा क्वेश्चन फैमिली को, जिसमें आया मेरे पास why, when, where, how, how much, how many, how long, how far, how often, with whom, from where, Whose, सारे क्वेश्चन फैमिली ने सीखा। देन क्वेश्चन फैमिली ने सीखने तो बाद एक सब तो इंपॉर्टेंट चीज सी जो मैंने स्कूल टाइम से बहुत टफ लगती सी, दैट वाज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब की सीगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब। मैं कली कली चीज नु सिखदा गया, मैं स्टेप बाय स्टेप इनु पॉलिश करदा गया। एक चाय को अगर टेस्टी बनाना है तो उसमें लॉन्ग इलायचियां डालनी पड़ेंगी। तो सेम अगर इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो आप लोगों को क्या चाहिए,
parts of speech. जिसको parts of speech आता है तो definitely वो king बन जाएगा English language का. उसके बाद fact of English सीखा कि English में क्या क्या fact होते हैं. Vocabulary सीखी और जिंदगी में एक बात कभी नहीं सीखी, वो थी fake accent. I am not going to say to anyone, आप रमन नहीं बन सकते तो रमन आप भी नहीं बन सकता. तो definitely क्या है, आप मेरे जैसी इंग्लिश कभी भी नहीं बोलनी सीख सकते और मैं आप लोगों जैसी भी नहीं सीख सकता. परमात्मा ने, वाहेगुरु ने तानू ताडा एक्सेंट दिता, मैनू मेरा एक्सेंट दिता. सो आई पर्सनली वॉन्ट कि तुसी एक चीज चेक करो, जो एक्सेंट तुसी बोलते हो स्पीक यूर सैल्फ. जो एक्सेंट मैं बोलना मैनू बोलन दो. रादर कई लोग होंगे ना जेडे व्हाट इज इट, दिस इज नॉट अ इंग्लिश. बहुत फास्ट इंग्लिश नू बोलना इज नॉट अ इंग्लिश. इंग्लिश का मतलब की है, सामने वाला बंदा ताड़ियां गल्लां नू अंडरस्टैंड करे. छोटिया छोटिया गल्लां नू मैं पिक करता गया, पॉलिश करता गया, तो कस्टमर केयर नू फोन कर लाँगा क्योंकि ना तो मेरा फोन कट दे ते दूजी गल ना मेरी गलतियां कट दे. ते डेफिनेटली मैं बहुत लंबा लंबा टाइम उन्होंने गल करता सीगा. ते एक दिन एवें दा गया कि ताडे सामने वो एक रमन जिहड़ा इंग्लिश सीखन लग्या सी, अज रमन आयल्स दे चैनल दा ताडे अगे ताडा भरा सामने आ गया. तां इंग्लिश नूं सीखण दे लई आपां नूं स्टैप बाय स्टैप चलना पएगा. जे तुसीं स्टैप बाय स्टैप फॉलो करोगे, हैबिट्स नूं फॉलो करोगे, तुसीं बहुत वधिया अपनी लैंग्वेज नूं सीखना शुरू कर दोगे. तां मैं उम्मीद करूँगा कि तुसीं बहुत वधिया तरीके नाल इंग्लिश नूं सीखण दे लई इहनूं बोलना शुरू करो, परफॉर्म करना शुरू करो. ते जे तुसीं अपनियां हैबिट्स नूं लैके आओगे तां तुसीं वन डे यकीन करियो बहुत अच्छे इंग्लिश दे स्पोकन ट्रेनर भी बन सकदे हो. इंग्लिश स्पीकिंग भी ताडी बहुत अच्छी हो सकदी है, पर उहदे लई तुहानूं अपनियां हैबिट्स नूं चेंज करना पएगा. ताडियां हैबिट्स ताडा फ्यूचर बनाउणगियां. सो जिन्नियां कि गल्लां दसियां इहनां नूं अप्लाई करो. रट्टा ना मारो, क्रैम ना करो, किसी का एक्सेंट कॉपी ना करो, छोटे छोटे सेंटेंसिज नूं बोलना शुरू करो. इंग्लिश तुहानूं बहुत अच्छे लैवल ते आएगी. ते जेकर कोई भी कमी रहेगी तां मैं नैक्सट वीडियो दे विच इहनूं होर वधिया तरीके नाल समझाऊंगा. सो जिन्हें मैनूं फॉलो करदे आ मेरियां इन्हां गल्लां नूं फॉलो करियो ते एक दिन तुसीं भी बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे. ते 72 घंटे च अंग्रेजी बोलना सिखोए ते बिलीव ना करो, ना कदे कोई सिखिया ते ना कोई सिख सकदा. तुसीं 50 घंटे च भी सिख सकदे हो, डिपेंड करदा ताडे ते ताडी परफॉर्मेंस ते तुसीं किस तरीके नाल परफॉर्म करदे हो. सो थैंक यू वेरी मच, लव यू. जे कोई बुरा लग्या मेरी गल दा तां हथ जुड़ के माफ़ी. तुसीं सारे भैन भरा चैनल नूं सपोर्ट करो, सबसक्राइब करो चैनल नूं, अपने दोस्तों मित्रों तो चैनल नूं सबसक्राइब कराओ. लव यू, टेक केयर, गुड बाय. रमन शर्मा.